We have a lot to talk about today. Let's get started. So finally, दोस्तों अब वो वक्त आ चुका है जब हम अपने फॉरेन में रहने वाले रिश्तेदारों को कॉल करते हैं और भैया सब कुशल मंगल सब ठीक ठाक। और उसके कुछ हफ्तों बाद यार आईफोन 13 का रेट थोड़ा यहाँ पे दिक्कत दे रहा है, तो वहाँ से भेज देना, मुझे सस्ता पड़ेगा। और इसी के साथ साथ दुबई में रहने वाले दोस्तों को कैसे भुलाया जा सकता है, वो इसीलिए तो दुबई गए थे। दरअसल एप्पल ने अपना आईफोन 13 की पूरी सीरीज़ को अनवील कर दिया है कल के इवेंट के अंदर, जो कि यूएस कैलिफोर्निया के अंदर से स्ट्रीम किया गया था सारी दुनिया के अंदर। सो वैसे तो जब भी कोई नया फ़ोन आता है उसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो अपग्रेड की जाती है वो उसका प्रोसेसर होता है। तो यहाँ पर A15 बायोनिक चिपसेट लगाया गया है, जिसको कहा जा रहा है कि अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अंदर नया GPU भी लगाया गया है, इन सभी के नॉच को और भी ज़्यादा छोटा किया गया है और इसी के साथ साथ इन सभी में बैटरी को और भी ज़्यादा बड़ा किया गया है। लेकिन एक जो र्यूमर चल रहा था ना कि भैया आईफोन 13 सैटेलाइट फ़ोन बन जाएगा, मतलब ये सैटेलाइट कॉलिंग भी कर सकते हैं और कहीं पर फंस जाएंगे तो इससे इमरजेंसी के वक्त में कॉलिंग की जा सकती है, तो वो सब र्यूमर एकदम बेकार थे, झूठे थे, वो सच नहीं है। और इस इवेंट के अंदर सबसे खास बात ये लगी होगी इंडियन यूज़र्स को, क्योंकि यहाँ पर जो म्यूज़िक चुना गया था ना इनकी एड्स के लिए वो था दम मारो दम वाला जो गाना था इंडिया का, उसी को चुना गया था, तो उसी की ट्यून को इसमें लिया गया था, तो ऐसा लगा शायद यही गाना चलने वाला है। लेकिन यहाँ पर iPhone 13 को फर्स्ट लुक में फ्रंट से देखने पर लोगों को यही लगा कि इन्होंने किया क्या है, नॉच अभी तक गायब नहीं किया, तो भैया नॉच को तो देखो छोटा कर दिया है, क्योंकि थोड़ा और खींचेंगे जैसे फिल्म को खींचा जाता है ना और लंबा, तो यहाँ पर अपने काम को चलाने के लिए एकदम से तो आपको बिल्कुल ही मतलब फ्यूचरिस्टिक फ़ोन तो नहीं मिल जाएगा, तो यहाँ पर ये और चलाएंगे 2-3 साल ऐसे ही शायद, तब जाके देंगे। लेकिन जब इसकी बैक साइड देखोगे तो वहाँ पर कैमरा iPhone 12 के मुकाबले में चेंज किया गया है, मतलब उसका डिज़ाइन चेंज किया गया, पहले वो हॉरिजॉन्टल हुआ करता था अब डायगनल कर दिया गया है, जो कि एक बहुत ही ऑसम काम इन्होंने किया है। खैर मजाक की बात हो गई, लेकिन चेंजेस हुए हैं। यहाँ पर दुनिया का ये सबसे पहला फ़ोन बन चुका है iPhone 13 और 13 Pro, इनके अंदर ड्यूल eSIM सपोर्ट मौजूद है, मतलब कि आपको कन्वेंशनल जो सिम मिलते हैं ना, सिम कार्ड लिया फिजिकली और उसके बाद में फ़ोन में डाला, वो करने की ज़रूरत है नहीं, इसमें eSIM का सपोर्ट मिला है, वो भी दोनों सिम के अंदर, तो यहाँ पर दोनों सिम को eSIM में ही कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको यूज़ किया जा सकता है। और कैमरे के मामले में आईफोन को कहाँ से कौन बीट करने वाला है, यहाँ पर ये और भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी ले आए हैं जो है सिनेमैटिक मोड की, जो कि बिल्कुल फिल्म वाली जो टेक्नोलॉजी होती है ना उसी को यूज़ किया जा रहा है इसके अंदर, जो कि एक जो प्रोफेशनल कैमरा होता है उसको मिमिक करता है। आईफोन 13 से ये शुरू हो जाता है, उसके बाद में प्रो में जाता है, प्रो मैक्स में जाता है, तो मतलब ये फीचर आईफोन 13 से शुरू हो जाता है, जिससे कि राइट कंडीशन के अंदर बिल्कुल आप वैसी इमेज कैप्चर कर सकते हो जैसे कि मूवीज़ वगैरह में की जाती है। लेकिन इसके अंदर एक ही डाउनसाइड रहेगी, जो कि 1080p की रिकॉर्डिंग तो कर सकते हो लेकिन FPS उसमें 30 रहेंगे, तो 30 FPS पे ही उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर इनके डिस्प्ले की बात की जाएगी तो वैसे तो ये कहा जा रहा है कि इनके अंदर प्रोमोशन डिस्प्ले भी मौजूद है, लेकिन वो आईफोन 13 प्रो से ही शुरू होगा, उसके पीछे के जितने भी मॉडल होंगे चाहे आईफोन 13 हो गया या 13 मिनी हो गया, उनके अंदर आपको सिर्फ 16Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा, लेकिन 13 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा। इसकी बैटरी परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड रहेगी, क्योंकि इसके अंदर प्रोमोशन डिस्प्ले है, जो कि काम ये करता है कि वो डिपेंड करेगा कि आप डिस्प्ले मोशन में है या फिर नहीं है, उस हिसाब से उसका रिफ्रेश रेट वो सेट करेगा, मतलब 10Hz से ये 120Hz तक जा सकता है, डिपेंड करेगा कि अगर आपकी स्क्रीन मूव कर रही है, जो भी आप चीज़ें देख रहे हो अगर वो मूव कर रही है तो रिफ्रेश रेट बढ़ा देगा, वरना घटा देगा अगर आप रीडिंग वीडिंग कर रहे होंगे, क्योंकि उसमें मूवमेंट नहीं चाहिए तो इतना ज़्यादा रिफ्रेश रेट की जरूरत नहीं होगी, जिसकी वजह से आपकी बैटरी की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर iPhone 13 mini जो भी लेगा वो डिसअपॉइंट नहीं होगा कैमरे के मामले में, क्योंकि iPhone 12 Pro Max का जो कैमरा टेक्नोलॉजी रही है उसी को यहाँ पर अडेप्ट किया है iPhone 13 mini ने। हालांकि कैमरे इसके अंदर दो ही मिलेंगे, लेकिन फिर भी जो भी दो कैमरे होंगे उनके अंदर टेक्नोलॉजी वही वाली होगी जो iPhone 12 Pro Max की हुआ करती थी, तो कैमरे में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पर आपको मिलेगी। लेकिन अगर प्राइस की बात करोगे ना यहाँ पर, तो भाई प्राइस सुन लो, तभी तो दुबई वाले दोस्तों को याद करवाया था,
आईफोन 13 मिनी का प्राइस $699 होता है, जो कि 51,000 का होता है वैसे तो, लेकिन इंडिया में जब ये आएगा आपको मिलेगा ₹70,000 तक का पड़ जाएगा। आईफोन 13 का प्राइस वैसे तो $800 तक होता है, जो कि 58,000 होते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर ही 80,000 का मिलेगा। आईफोन 13 प्रो जो कि $999 का होता है, इंडिया के अंदर करीबन ₹72,000 का होना चाहिए था, लेकिन ये 1,20,000 का मिलेगा। आईफोन 13 प्रो मैक्स जो कि करीबन $1,100 का है, 80,000 का वैसे पड़ता है अगर एग्जैक्टली कन्वर्ट करके बताऊं, लेकिन इंडिया के अंदर ये 1,30,000 का पड़ेगा। इन सभी के प्री ऑर्डर 17 सितंबर से शुरू हो जाएंगे और 24 सितंबर से मार्केट के अंदर मिलना भी चालू हो जाएगा। और इसी इवेंट के अंदर एप्पल वॉच सीरीज 7 को भी अनवील किया गया, जो कि करीबन $400 की है, और इसको बताया जा रहा है कि ये मोस्ट ड्यूरेबल एप्पल वॉच है। और इसी के साथ साथ आईपैड के बारे में भी बताया, आईपैड मिनी के बारे में भी बताया है, और यहीं पर iOS 15 की अपडेट की भी अनाउंसमेंट कर दी गई है डेट की, जो कि 20 सितंबर है, जो कि ज़्यादातर आईफोन के अंदर आ जाएगी उस वक्त में। सो फिलहाल के लिए पूरी की पूरी वीडियो के अंदर सिर्फ आईफोन की ही अपडेट थी, क्योंकि पूरे साल सिर्फ इसी इवेंट का ही इंतज़ार किया जाता है। सो ये इवेंट की पूरी समरी कुछ इसी तरीके की थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने वीडियो डाली भी है।